ऐसे ऐसे घटना मेरे साथ उन्होंने किया कि मुझे बुला के मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया, मुझे चुनाव नहीं लड़ने देने के लिए उन्होंने मुझे मेरे ऊपर दबाव बनाया कि आप पासी होकर जो है जंगल को चुनाव। साथियों नमस्कार, आज हम प्रयागराज के ज़िले में पहुँचे हैं जहाँ पे एक महादलित पंचायत रखा गया था। उस महादलित पंचायत में काफ़ी तादाद में युवा लोग पहुँचे हैं। आइए जानते हैं महादलित पंचायत किस लिए रखा गया था, उसका मकसद क्या था। हमारे साथ में काफ़ी युवा लोग हैं। साथियों सर, क्या मामला था महादलित पंचायत रखने का? आप देख रहे हैं कि जहाँ तक ज्ञात हुआ कि विगत दिनों मादीपुर में जो दलित परिवार था, कुछ समानतावादी सोच के लोग, ब्राह्मणवादी सोच के लोग पूरे परिवार पे हमला करने का कार्य किए, जिसमें 5 से 6 लोग घायल हुए, एक लोगों का 3-3 जगह से पैर टूट गया। उसी के विरोध में यह दलित महापंचायत कल्याणपुर में रखा गया, जिसमें से 100-100 किलोमीटर दूर से हमारे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बहनें, तमाम लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए आए कि जो गोलियों से तुम हम पे डराए रहे हो, जो बम के धमकियों से तुम हमको डरा रहे हो, और अभी तक बहुत हम लोग दबाव बनाए तब जाके FIR हुआ, अभी जितने भी दोषी हैं सभी गिरफ्तार नहीं हैं, और हमारी इस सरकार से FIR करने के बाद प्रशासन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नहीं नहीं कार्रवाई, क्योंकि यहाँ प्रशासन की मिली जुली भगती है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह हमने सरासत का यह दलित विरोधी सरकार है, यह उनको संरक्षण दे रहा है। तो इसीलिए मैं प्रशासन और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल जितने भी आरोपी हैं अगर गिरफ्तार नहीं होते, यह तो हम लोगों का यह दलित महापंचायत एक नमूना था, इससे भी बढ़ के सड़क से लेकर संसद यानी लखनऊ की विधानसभा को भी घेरने का कार्य करेंगे। अगर जितना तत्काल से तत्काल अगर गिरफ्तारी हमारे जो भी विपक्ष दल के लोग हैं उसको गिरफ्तारी अगर नहीं होती तो हम सड़कों पर उतरने का कार्य करेंगे। इस प्रशासन को हम चुनौती देते हैं कि सड़क से संसद उनका जाम करने का कार्य करेंगे। हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हम इस मनुवादी सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों को अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग सारी सड़कें बंद कर देंगे, और जो है हम लोग न्याय के लिए हम कहीं तक भी जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो है विनती करते हैं कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम एकजुट होकर न्याय की मांग करेंगे और जो है सड़क को हम लोग जाम करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। गिरफ्तारी तो हम सड़कों को जाम करने का कार्य करेंगे और ईंट से ईंट को बजाने का काम किया जाएगा, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ईंट से ईंट के साथ, अगर अधिकार प्यार से नहीं मिलेगा तो उसको छीन के लेंगे और अपने पीड़ित भाइयों को न्याय दिला कर रहेंगे। साथियों जिस तरह से आप लोगों ने देखा, जिला प्रयागराज के कल्याणपुर में मादीपुर गांव में एक दलित व्यक्ति को मार दिया जाता है, वहीं पे दलित समाज से लोग FIR करते हैं, लेकिन प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं करती है। उसी को लेकर यहाँ पे महादलित पंचायत रखा गया था। इनकी मांग है अगर हमें कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम यहाँ से इलाहाबाद से लखनऊ भी आंदोलन कर सकते हैं।